भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से प्रारंभ हुई है, जो कि लगभग 3600 किलोमीटर चलेगी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, कन्याकुमारी से जम्मू तक पैदल चलेगी और उसके बाद श्रीनगर सुरक्षा की दृष्टि से बाय बस जाएगी जम्मू से श्रीनगर, लेकिन उसका समापन जो है यात्रा का वो जम्मू में नहीं होगा, श्रीनगर में होगा। हमें जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। लोग पूछते हैं भाई भारत जब टूटा नहीं तो तोड़ जोड़ने की आवश्यकता क्या है। भारत की अनेकता में एकता ही यहाँ का सनातन परंपरा है, तो इस बारे में उद्देश्य साफ होना चाहिए कि आज इस देश में जिस प्रकार से धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जातियों के आधार पर जिस प्रकार से बांटा जा रहा है, जिस प्रकार से गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, कुछ चंद चुने हुए बड़े उद्योगपतियों को हर तरह की सुविधा दी जा रही है, उनके हित में नियम बनाए जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं और भारतीय संविधान का जो एक गाइडिंग प्रिंसिपल है कि सरकार को इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए कि अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर है वो कम हो, रुपये का अवमूल्यन होता जा रहा है, सरकारी संपत्ति बेची जा रही है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बेचे जा रहे हैं और कुछ चुने हुए लोगों को दिए जा रहे हैं। तीसरा, जो हमारी संस्थागत हमारी जो संस्थाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज, उनके भी जो मूल्य हैं उनको भी, उन पर भी समझौता किया जा रहा है, कुछ लोगों को, कुछ वर्गों को टारगेट किया जा रहा है, चुन चुन कर लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, पूरे तरीके से राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम किया जा रहा है। ईडी, आईटी, सीबीआई एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है, लेकिन एक बड़े आश्चर्य की बात हमें लगी कि भारत जोड़ो यात्रा को 2 हफ्ते भी नहीं हुए, इतना प्रभाव पड़ा मोहन भागवत जी पर कि वे मदरसा जाने लगे और मस्जिद जाने लगे। इस बारे में ये चूकते नहीं है निखरा जी बी से बोलने से, तो ये मस्जिद और मदरसा जाने के लिए भी मोहन भागवत जी को प्रेरणा भारत जोड़ो यात्रा से मिली, हमें उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। अब यही बात नीचे तक आरएसएस के लोगों के पास जानी चाहिए कि वे इस देश में हिंदू मुसलमानों में या ईसाइयों में या और धर्म के लोगों में फ़र्क पैदा ना करें, उनमें वैमनस्यता पैदा ना करें। जिस प्रकार से लोगों को टारगेट किया जा रहा है वो उचित नहीं है, जिस प्रकार से नफरत फैलाई जा रही है। जहाँ तक परिवार की बात है मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन परिभाषा उनकी परिवार की संघ परिवार तक सीमित है और हमारे परिवार में पूरा विश्व है, जो कि वासुदेव कुटुंबकम का जो हमारा एक उद्देश्य रहा है सनातनी परंपराओं में और वेदों में। तो हमारा जो सोच है कांग्रेस का वो भारत के सनातनी परंपराओं के अनुकूल है, इस बात को हम समझना चाहते हैं। इतिहास बदलने का प्रयास किया जा रहा है, महात्मा गांधी को केवल चश्मे तक सीमित कर दिया,
पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जिस प्रकार से अब शब्दों का सोशल मीडिया पर उपयोग किया जाता है, इतिहास बदलने का प्रयास किया जा रहा है, झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, हम इसका विरोध करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन 7 सितंबर को कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद मेमोरियल पर खुद राहुल गांधी गए, लेकिन एक केंद्र की मंत्री जी वो सरासर झूठ बोल गई कि वहाँ पर क्यों नहीं गए। 5 मिनट में जब तस्वीर सामने आई तो चुप हो गई। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ कहने को बचा नहीं। क्या कहते हैं, टी शर्ट कौन सी पहन ली, जूते कौन से पहन लिए, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं। सीधी सी बात करो, तुम नफरत क्यों फैला रहे हो, तुम हिंसा क्यों फैला रहे हो, इसके बारे में तो बात करो। कोई मुद्दा नहीं बचा। नरेंद्र मोदी जब से आए हैं, राहुल गांधी जी को टारगेट किए हुए हैं, लेकिन जैसा कहा जाता है 100 सुनार के एक लोहार की, 8 साल के दुष्प्रचार को उन्होंने एक अपनी भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चलकर वो सब समाप्त कर दिया। बात यह है, मूल रूप से आप आरएसएस को जानते हैं, आरएसएस की विचारधारा को जानते हैं, उनके लोग जिस प्रकार का प्रचार करते हैं उससे आप परिचित हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, आरएसएस का एक बड़ा दुष्प्रचार चला हुआ है कि मुसलमान 10 दर्जनों बच्चे पैदा करते हैं, 4-4 बीवियां रखते हैं, इसलिए 2050 तक वे बहुसंख्यक हो जाएंगे और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ये बिल्कुल सरासर दुष्प्रचार है, और इस पर एक किताब, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको किताब दे दूंगा, जो रिसर्च की हुई है, किसी भी हालत में इस देश में मुसलमान बहुसंख्यक नहीं हो सकते, ये आरएसएस का दुष्प्रचार है, और इसको मैं काउंटर करता हूँ। किसी भी हालत में वो 18% से ज़्यादा मुसलमानों की जनसंख्या इस देश में हो नहीं सकती। जो हिंदुओं की जनसंख्या में गिरावट हो रही है, उससे ज़्यादा तेज़ी से गिरावट मुसलमानों की जनसंख्या में हो रही है, क्योंकि उनकी जो जन्मदर थी ज़्यादा थी इसलिए, और ये स्टेबलाइज हो जाएगी 2025 और 26 तक। अब कहीं कह रहे हैं कि वो तो साहब पैदल नहीं चल रहे हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं। अरे लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, जरा देखो तो, टेक्नोलॉजी का युग है, पूरी यात्रा लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। सुबह चलते हैं, 6:30 बजे हमारी यात्रा शुरू हो जाती है, और हर रोज 12 से 15 किलोमीटर सुबह, और शाम को 4:30 के बाद लगभग 10 किलोमीटर चल रहे हैं। लगभग 119 भारत जोड़ो यात्री हमारे चल रहे हैं। इसका हम लोगों ने चयन इस प्रकार से किया था कि जो हमारे मोर्चा संगठन हैं उनसे हमने नाम लिए थे, हर स्टेट से लिए हैं नाम, और उसमें लगभग 30% से ज़्यादा महिलाएं हैं, युवा हैं, एवरेज एज 38 साल की है। उनको भी चलने में दिक्कत आ रही है, लेकिन राहुल जी बड़े आराम से चल रहे हैं, और लोगों का अपार स्नेह उनको मिल रहा है। 2 बजे से 3:30 बजे के बीच में वे जो डेलीगेशन आते हैं, मछुआरों के डेलीगेशन हैं, रबर प्लांटर्स के डेलीगेशन हैं, असंगठित मजदूरों के संगठन हैं, महिलाओं के संगठन हैं, किसानों के संगठन हैं, इन सब से उनकी चर्चा होती है, और ये चर्चा उसको रिकॉर्ड की जाती है पूरी। तो साथियों, आपके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि लगभग नवंबर के आखिरी तक मध्य प्रदेश में वो प्रवेश करेंगे, बुरहानपुर से शुरू करेंगे तो खंडवा होते हुए इंदौर, उज्जैन और सुसनेर होते हुए पेड़ावा जाएंगे, लगभग 700-800 किलोमीटर चलेंगे और लगभग 16-17 दिन रहेंगे। जो व्यवस्था है, कई विकल्प सोचे गए,
या आखिर सिक्योरिटी का मसला भी था, क्योंकि ये परिवार ऐसा है जिनके दो दो लोगों की को शहादत देनी पड़ी, इसलिए सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो विकल्प सोचे गए उसके अंदर सबसे अच्छा और सस्ता विकल्प था ट्रक माउंटेड कंटेनर्स में। अब उसमें भी साहब फाइव स्टार है, ऐसा है वैसा है, आके देख लीजिए। आपने सेकंड क्लास एसी बोगी देखा है, बस वैसा बोगी है, उसी में रहते हैं, चल रहे हैं, हजारों लोग चल रहे हैं। मेरी सबसे बड़ी मुसीबत आज ये है एज चेयरमैन कि वहाँ पर व्यवस्था की सीमाएं हैं। उस कॉम्प्लेक्स में केवल 230 लोगों की व्यवस्था है, उसमें करीब 45-50 तो सिक्योरिटी के लोग हैं, फिर और स्टाफ के लोग हैं, सेवा दल के लोग हैं, 119 यात्री हैं। तो हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा नाम उसमें शामिल हो जाए, अब वो संभव नहीं है। तो उसमें हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरीज बनाई हैं, जिन प्रांतों से यात्रा नहीं निकल रही है उनके लोगों को हम लोग उसमें शामिल कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी उनको ले रही है, सिविल सोसाइटी के लोग लगभग 15-20 लोग हमारे साथ चल रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई है। इस तरह से भारत जोड़ो यात्रा मूल रूप से इस देश में नफरत और हिंसा के खिलाफ, उसे समाप्त करने के लिए, और उस हमारे निगरा जी परम मित्र हमारे साथ नर्मदा परिक्रमा साथ की है, तो इसलिए अगली बार इनसे कराऊंगा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो इसमें नफरत और हिंसा को प्रेम और सद्भाव में कैसे परिवर्तित करें, इस बारे में ये पूरा का पूरा हमारा लक्ष्य है।